नमस्कार, बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में मानसून को लेकर, बारिश को लेकर, गर्मी को लेकर। बिहार में इन दिनों दो तरह के मौसम बना हुआ है। एक तरफ जहां प्रदेश में तेज गर्मी पड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में बारिश जैसे हालात हैं। बिहार का उत्तर पूर्व के हिस्से में जहाँ बारिश जैसे हालात हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के दक्षिण के हिस्से में तेज गर्मी जैसे हालात हैं, यानी कि गर्मी से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में तय समय पर मानसून की सक्रियता होने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी भी बिहार का आधा हिस्सा गर्मी की मार झेल रहा है। जिन जिलों में बारिश हो रही है, कहा जा रहा है कि इन इलाकों में प्री मानसून से बारिश हो रही है, तो वहीं शेष हिस्सों में तय समय पर मानसून आने की बात कही जा रही है। हालांकि दक्षिण के हिस्से में लोग गर्मी से खूब परेशान हैं। अगर हम बिहार के दक्षिण हिस्से की बात कर लें, तो राजधानी पटना समेत 23 ऐसे ज़िले हैं जहां पर इन दिनों गर्मी की मार पड़ रही है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार इन जिलों में तापमान 40 से ऊपर पहुंच गया है। लोग दिन चढ़ने के साथ साथ घर में बंद हो रहे हैं, सड़कें सुनसान हो जा रही है। अगर हम पिछले दिनों के तापमान की बात कर लें, तो गया का तापमान 42.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अगर हम शेखपुरा की बात करें, तो यहाँ का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अगर हम बक्सर की बात करें, तो ये वो ज़िले हैं जहाँ पूरी गर्मी के दौरान सबसे ज़्यादा तापमान रहा, और इस बार का तापमान 42.8 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं औरंगाबाद की बात कर लें, तो यहाँ का तापमान जो है 44.7 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि वहीं सिवान की बात कर लें, तो यहाँ का तापमान 40 डिग्री के पार दर्ज किया गया है। राजधानी पटना के आसपास के जिलों में गर्मी की मार जो है लोग को झेलना पड़ रहा है। राजधानी की वही अगर हम बात कर लें, तो यहाँ का तापमान भी 36 से 37 डिग्री दर्ज किया गया है। बिहार में दो तरह के मौसम को लेकर बोलते हुए मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि इन दिनों प्रदेश में चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके चलते प्रदेश के एक हिस्से में बारिश जैसे हालात हैं। बता दें कि पूर्वी पश्चिम में टर्फ रेखा पूर्वी मध्य उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में बना हुआ है, जबकि उत्तरी बांग्लादेश तक बिहार उप हिमालयी पश्चिम बंगाल से होकर गुजर रही है। इसके कारण प्रदेश के 15 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि अगले 24 घंटे में इन जिलों में बारिश होने की पूरी संभावना है, जिसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में गरज के साथ बिजली चमकने की बात कही गई। साथ ही साथ मौसम विभाग के अनुसार यह भी कहा गया कि अररिया, किशनगंज और पूर्णिया में इस दौरान जो है भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देश के कई अलग अलग क्षेत्रों में मानसून की दस्तक हो गई है। केरल और कर्नाटक में मानसून सक्रिय हो गया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि मानसून जैसे ही बंगाल की खाड़ी की तरफ से बढ़ेगा, तो बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के रास्ते बिहार में मानसून सक्रिय होने की बात कही जा रही है। ऐसे में मौसम के जानकारों का कहना है कि 12 जून को बिहार में मानसून सक्रिय हो सकता है, जिसके बाद से पूरे बिहार के लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। बता दें कि बिहार के पूर्णिया में मानसून की पहली दस्तक, यानी कि पहली बारिश की जो बौछार है, वह बिहार में पूर्णिया में देखने को मिलती है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।